सब्सक्राइब करें फैशन जर्नी को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अगर आपको मेरी वीडियोस इंग्लिश में चाहिए तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। चले हम शुरू करते हैं अपना डिज़ाइनर अम्ब्रेला स्कर्ट मेकिंग। तो पहले आपको मैं बताती हूँ कि कैसे मेजरमेंट लेंगे। आपको टोटल हाइट लेना पड़ेगा स्कर्ट का, जो कि आप नाप से पैरों तक, पैर के अंगूठे तक अपना माप ले सकते हैं। उसके बाद कमर की चौड़ाई जो कि वेस्ट सरकमफ्रेंस है उसको लेना है। तो यहाँ पर मैं 26 इंच टोटल हाइट ले रही हूँ और वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजरमेंट करने के लिए टेप की मदद से अपनी कमर की गोलाई ले लें। तो फिटेड जो मेजरमेंट आता है, फिट एक्स्ट्रा न ले, फिटेड मेजरमेंट जो आता है उसकी गोलाई ले लें। तो ये मुझे कमर की जो गोलाई आ रही है यहाँ पे 20 इंच है। आप 20 इंच रखिए। उसके बाद मैं 6 इंच यहाँ पे ऐड करूँगी इलास्टिक के लिए। इलास्टिक लगाने के लिए आपको लूजिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। तो टोटल चौड़ाई होगी 26 इंच। अब स्कर्ट को बनाने के लिए इसके दो हिस्से होते हैं, एक बेल्ट का हिस्सा और दूसरा स्कर्ट का हिस्सा। सो बेल्ट की जो चौड़ाई लेते हैं हम वो है 1.5 इंच। सो हमारे स्कर्ट के हाइट से 26 इंच से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 24.5 इंच। अब इन दो हिस्सों को मैं अलग अलग करके उसका मेजरमेंट बताऊंगी। स्कर्ट की लंबाई है 24.5 इंच, तो आपको सीम अलावेंस लेना होगा हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे। तो टोटली आपको 25.5 इंच लेना पड़ेगा। और बेल्ट की चौड़ाई है 1.5 इंच, लेकिन बेल्ट को हम इस तरह फोल्ड करते हैं तो दोनों तरफ 1.5 इंच जब आप मिलाएंगे तो ये 3 इंच बनेगा। उसके बाद हाफ इंचेस सीम अलावेंस लेंगे इस तरफ और इस तरफ। सो टोटल ये बनेगा 4 इंच। अब हम बेल्ट की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। ये जो ब्रेथ है और इसको हम लेंथ कहते हैं। तो लेंथ लेने के लिए आपको वेस्ट लेना पड़ेगा 26 इंच और 1 इंच सीम अलावेंस। तो टोटल 27 इंच बेल्ट का आपको लेना पड़ेगा। सबसे आखिर का कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ वेस्ट रेडियस। इसके लिए हम वेस्ट सरकमफ्रेंस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट सरकमफ्रेंस है 26 इंच। वेस्ट रेडियस इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपॉन 6.28, जो 4.1 इंच मिलेगा। तो राउंड फिगर 4 इंच मैं लूँगी। तो ये हमारा वेस्ट रेडियस है। स्कर्ट को कटिंग करने के लिए 3 तरह का फैब्रिक मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट फैब्रिक है सैटिन फैब्रिक, जो लाइनिंग बनाने के लिए, और टॉप स्कर्ट बनाने के लिए वेलवेट फैब्रिक लूँगी, और ये लेस फैब्रिक जिससे मैं 3 विड्थ का लेस कट करूँगी बॉर्डर पर लगाने के लिए। इसका मैंने सोनम कपूर इंस्पायर्ड हाई लो केप टॉप बनाया है। इसका मैं लिंक ऊपर दे रही हूँ, आप इसे देखें, और अगर आप लाइक करें तो प्लीज़ इसको शेयर करें। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आप लाइनिंग फैब्रिक ले लें और इसको सिंगल फोल्डिंग दे। अब ये जब फोल्ड करेंगे तो ये आगे और पीछे वाला हिस्सा होगा, इसको और एक फोल्ड करें। उसके बाद कॉर्नर पे ट्रायंगुलर जैसा फोल्ड करें सर्कल्स कर काटने के लिए। अब इस कॉर्नर से मैं रेडियस, जो कि हम ले रेडियस की लंबाई 4 इंच मेजर किया है, उसको मार्क करेंगे। कॉर्नर से पहले एक तरफ आप मार्किंग दे दें 4 इंच, और दूसरी तरफ और सेंटर पे, और उसको जॉइंट करके कर्व बनाएं। आप स्कर्ट का हाइट लेंगे जो कि 25.5 इंच है, मैं थोड़ा सा कम लूँगी 25 इंच क्योंकि ये लाइनिंग है। आप रेडियस से को इससे मिलाएंगे तो 25 + 4 29 इंच बनेगा। तो हम कॉर्नर से डायरेक्टली लेंगे इस तरह 29 इंच की मार्किंग पूरे स्कर्ट पे दे दे, तो हम लोगों को यहाँ पे सर्कल जैसा कर्व मिलेगा। आप रेडियस और बॉटम को काट दे, लेकिन एक तरफ कपड़ा कम होने की वजह से यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो यहाँ पे
जो एक्स्ट्रा जो ट्रेड्स निकला है उसको काट दें और एक्स्ट्रा कपड़ा इस पर लगाएं, इस तरह के 1 इंच एक्स्ट्रा हो सीम अलावेंस। सो सीम अलावेंस रख के आप कुछ इस तरह कर्व बनाएंगे, नीचे का जो कपड़ा है उसका मार्किंग देख के बराबर से इसको कर्व बनाएं और उसके बाद इसको हम काट देंगे। आपको सीम अलावेंस 1 इंच रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा कपड़े पे, जो कि 1/2 इंच सिलाई के लिए, दोनों तरफ की सिलाई के लिए 1/2 इंच चला जाएगा। तो इसको सर्कल पे काट दें। अब हम ऊपर का वेलवेट स्कर्ट कट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट एक सिंगल फोल्ड दें, ये हम लोगों ने सिंगल फोल्ड किया है आगे और पीछे के लिए। उसके बाद और एक फोल्ड दें, यह हमारा आगे और पीछे वाला हिस्सा सेंटर पे फोल्ड हो गया है। आप इसको ट्रायंगल जैसा कॉर्नर पे फोल्ड करें, उसी तरह जैसे हम लोगों ने लाइनिंग कट किया है, और अपने लाइनिंग को कट करके वेस्ट का सा कर्व कट करें और बॉटम का कर्व मैंने यहाँ पे मार्किंग दे दी है। थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा आप लेंगे टॉप स्कर्ट के लिए लाइनिंग से। तो ये हमारा स्कर्ट कट के रेडी हो गया है। अब लाइनिंग को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। अब हम लोग छोटा सा जो कपड़ा है बॉटम की तरफ इसको जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है और इस पर ज़िगज़ैग स्टिच लगा दिया है। अब आप ऐसे भी आप रख सकते हैं, इस पर प्रेस करते नीड बनाने के लिए, या आप ऊपर एक स्टिच दे सकते हैं जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ, आप टॉप स्टिच दे दें। और बॉटम पे हम लोग पिको लगाएंगे, या आप ज़िगज़ैग स्टिच भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लेस काट दिया है जो 3 इंच की चौड़ाई है। जितना आपको जितनी लंबाई आपकी लेस की है उतने पीसेस आप कट करें और इसको राइट साइड जॉइंट करके 1/2 इंच की दूरी पर स्टिच दे दे। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो लेस की स्ट्रिप्स काट दिया है उसको जॉइंट किया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे और इस सीम्स को ओपन करके प्रेस करें, ताकि आपका जो लेस जो है जॉइंट न दिखे, ऐसे लगे कि कंटिन्यूस लेस है, न कि यहाँ पे कोई जॉइंटिंग है। तो इस तरह आप सीम्स को ओपन करके प्रेस कर देंगे दोनों तरफ, तो ये नीट बन जाएगा। अब आपको बॉटम की तरफ स्कर्ट के उल्टे हिस्से पे आप लेस को इस तरह जॉइंट करना है कि सीधा वाला लेस का हिस्सा उल्टे हिस्से पे जॉइंट करना पड़ेगा। तो हम आप लेस जॉइंट करेंगे, तो ये उल्टे वाले हिस्से पे आप सीधे वाला लेस का हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है ये रॉन्ग हिस्सा है, ओके। तो यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ के आप स्टिच करना शुरू कर दें 1/2 इंच की दूरी पर। जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला लेस है उसको मैच करेंगे, मैच करके 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लेस का, क्योंकि सीम अलावेंस, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके काट देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके काट दिया है। अब यहाँ पे स्टिचिंग स्टॉप कर दे 1 इंच की दूरी पर। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग देके दोनों लेस पे मार्किंग दे रही हूँ, ताकि जॉइनिंग के लिए मुझे आसानी हो जाए। तो आप दोनों लेस को मैं यहाँ पे मार्किंग की तरफ जॉइंट करके 1/2 इंच पे जॉइंट कर दिया है। अब आप लेस को जहाँ पे हम लोगों ने स्टिच नहीं लगाया है वो आप स्टिच लगा दें। आप लेस को सीधी तरफ टर्न करके आप टॉप स्टिच दे दें, तो आपको यहाँ पे स्टिच दिख रही है। तो टॉप स्टिच देखिए रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपको लेस एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि बॉटम की तरफ हमारे स्कर्ट पे ज़्यादा चौड़ाई होती है सर्कल स्कर्ट पे, और ऊपर की तरफ कम चौड़ाई होती है। इसलिए मैं लेस की जो चौड़ाई को कम करने के लिए 1/2 इंच इस तरह डार्ट्स बनाऊंगी, और दो डार्ट्स के दरमियान जो गैप मैं रखने वाली हूँ 10 से 12 इंच,
और इस तरह बहुत सारे डार्ट्स बनेंगे तो इसकी चौड़ाई, लेस की जो चौड़ाई भी कम हो जाएंगी। लेकिन आप इसका ध्यान रखिए कि लेस की जब चौड़ाई कम होगी तो सर्कल की स्कर्ट की चौड़ाई मैच करें, ऐसा ना हो कि आपका लेस छोटा पड़ जाए स्कर्ट की चौड़ाई के बराबर ना हो। तो इसका आप ध्यान रख के करें। तो आपको जितने डार्ट्स बनाने हैं आप बना लें पूरे लेस पे, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेस को स्कर्ट पे टॉप स्टिच देंगे। स्टिच देते वक्त बराबर से कपड़े को, लेस को बराबर से कपड़े पर रखें और स्लोली आप स्टिच दे दें ताकि लेस बराबर से स्कर्ट पे बैठ जाए। जब कि इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें जो फैंसी लेस मैं इस्तेमाल करूँगी इस पर इस तरह रखे, हाफ इंच के नीचे रखे, आप इसको टॉप स्टिच दे। तो आखिर में जब हम पहुँचेंगे तो ये जो सीम्स मैं यहाँ पे फोल्ड करके टॉप स्टिच दे दूँगी। जैसे आपको वीडियो में बताया जा रहा है आपको वही फॉलो करना होगा। इस तरह आप फॉलो करेंगी तो आपका सिंपल स्कर्ट भी डिज़ाइनर स्कर्ट बन जाएगा। तो नीचे वाले हिस्से पे मैंने स्टिच दिया है, तो टॉप स्टिच देके आप अपना बॉटम स्कर्ट स्टिचिंग कंप्लीट करें। लेस स्टिच होने के बाद हमारा स्कर्ट को इस तरह लगेगा। इसको उल्टा उल्टी की तरफ रखे, लाइनिंग को इस तरह रखे कि टॉप जो उल्टा साइड सीधे साइड का लाइनिंग टच करे। अब यहाँ पे मैं टॉप स्टिच दे दूँगी। टॉप स्टिच देते वक्त आप अपने कपड़े को मत खींचें, नहीं तो लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। आप इसको बराबर से रखें और जॉइंट करें लाइनिंग वेस्ट और टॉप वेस्ट से। तो मैंने जॉइंट कर दिया है। आप वेस्ट बैंड जो मैंने 4 इंच की चौड़ाई का काट दिया है तो दोनों तरफ हाफ इंच फोल्ड करके आप इसको प्रेस करें। और इसकी चौड़ाई मैंने वेस्ट की चौड़ाई से 1 इंच ज़्यादा लिया है, तो रॉन्ग साइड पे इसको इस तरह रखें और स्टिच करना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 या 1.5 इंच छोड़ के स्टिच करना होगा, जैसे मैंने आपको लेस जॉइंट करते वक्त दिखाया था। तो मैंने 1.5 इंच आगे की तरफ छोड़ दिया है और हाफ इंच पे आप जॉइंट स्टिच करें। सो यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ा है, इसी तरह एंड पे जब हम पहुँचेंगे तो कुछ 1.5 इंच से पहले ही स्टॉप कर देंगे अपनी स्टिचिंग, ताकि हम दोनों एंड्स को जॉइन कर सके। तो मैं यहाँ पे मैच करके पिन लगा दूँगी ताकि समझ आ जाए कि कहाँ पे मुझे जॉइन करना है। तो इस तरह मैं यहाँ पे जॉइन कर रही हूँ और उसके बाद में आपको जो यहाँ पे थ्रेड्स निकला हुआ है उसको हम काट देंगे और वापस वेस्ट बैंड को स्कर्ट पे स्टिच दे देंगे, जो कि मैं यहाँ पे दिखा नहीं रही हूँ। उसके बाद अपने बैंड को सीधी तरफ फोल्ड करके आप पिन से उसको सिक्योर करें। इस तरह करने से आपको सीने में आसानी होगी। इसके एज पे स्टिच दें। स्टिच देते वक्त ख्याल रखें कि आपकी नीडल पिंस पे न गिरे, नहीं तो कट जाएगी। जब आप आखिर पे पहुँचे तो 1 इंच से पहले गैप छोड़ देना होगा इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो ये जो स्पेस है हम लोग यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब इलास्टिक के लिए आप अपना वेस्ट का जो मेजरमेंट है उसका 3/4 मेजरमेंट प्लस 1 इंच लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 17.5 इंच बनेगा।
अब इलास्टिक के एक एंड पे पिन लगा के इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकाल के हम दोनों एंड्स को इस तरह जॉइंट करेंगे। जॉइंट होने के बाद जो स्पेस हम लोगों ने छोड़ा था इलास्टिक के लिए उसको बराबर की तरफ फिक्स करेंगे। जो सीम्स आपको दिख रही हैं इसको अंदर की तरफ धकेले और ऊपर से एक स्टिच दें। आखिर में हम लोग इलास्टिक को वेस्ट पे फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए पहले आप प्लीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें बराबर से और इलास्टिक को इस तरह खींचे और सेंटर पे सिलाई दे दे। इस तरह आपकी इलास्टिक भी वेस्ट पे फिक्स हो जाएगी और जब आप पहनेंगे तो ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी। तो फाइनल स्टेप, जो लेस आपकी बची हुई है इसको हम स्कर्ट पे फिक्स करेंगे। वेस्ट पे इस तरह फिक्स करेंगे कि हाफ इंच आपके वेस्ट बैंड पे आएगी और हाफ इंच स्कर्ट पे आएगी। ये लेस आपकी जॉइनिंग लाइन को बंद कर देगा। तो आखिर में पहुंचने के बाद आप एक इंच एक्स्ट्रा रख के काट दें और फोल्ड करके सीम्स को क्लोज करें। एक एज पे सीन लेने के बाद आप लेस को जॉइंट करें, उसके बाद नीचे वाले एज पे सी लें। आप नीचे वाला एज आपके सर्कुलर स्कर्ट पे आएगा तो बराबर से आप लेस को स्प्रेड करें और दूसरे एज को एंड तक सिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और आप यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो नए पैटर्न और नए डिज़ाइंस के साथ आपके सामने आऊँ तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप के बहुत से लाइक अगर मुझे मिल जाएंगे तो बहुत खुशी होगी और दिल करेगा कि बहुत जल्दी आपके लिए एक अच्छा नया सा वीडियो पेश करूं। तो ये लेस सीखे रेडी हो गया है। इस लेस की वजह से आपको यहाँ पे डिज़ाइनर लुक मिल रहा है।